बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमना कॉस्मेटिक। तो जनाब जल्दी से शुरू करते हैं रेमेडी को। रेमेडी है डेंड्रफ से रिलेटेड, ठीक है। डेंड्रफ के कॉजेज हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, फिर भी वीडियो में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि डेंड्रफ के जो कॉजेज हैं उसमें एक ही होता है एक्सेस ऑफ ऑयल, और दूसरा बेतहाशा ड्राइनेस। बेतहाशा ड्राइनेस से जो डेंड्रफ बनती है वो बारीक बारीक, जैसे सर पे पूरे बारीक सा पाउडर टैल्कम डाल दिया, वो वाली डेंड्रफ बनती है। लेकिन अगर हमें वो जो फंगस टाइप की स्टिकर नुमा डेंड्रफ हो रही है, ठीक है, वो ज़्यादातर ख़वातीन में होती है, ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि एक्सेस ऑयल जब आपके स्कैल्प पे प्रोड्यूस होता है तो डेंड्रफ बन जाती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से बनती है, ठीक है, लेट नाइट सोने से भी बनती है, स्ट्रेस डिप्रेशन से भी बनती है, ग्रीन टी ज़्यादा यूज़ की जाए उससे भी बनती है। ग्रीन टी का पीना, ठीक है, जब लड़कियां ज़्यादा वेट लॉस के लिए ग्रीन टी पी रही होती हैं तो उसमें भी डेंड्रफ बन जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लड़कियां यूज़ करती हैं एंटी डेंड्रफ शैम्पूस, ठीक है। एंटी डेंड्रफ शैम्पूस से ये होता है कि डेंड्रफ तो ख़त्म हो जाती है लेकिन बाल ड्राई फ्रिजी डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादातर यही होता है। तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि हमें रखना होता है, तो करना ये होता है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा शैम्पू रखना होता है, ठीक है, जो हम नॉर्मल रूटीन में रख रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एंटी डेंड्रफ शैम्पू की तरफ जाएं, तो हमें एक अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू को रखना है जिसके अंदर पैराबेन फ्री हो, ठीक है, और कम झाग बनाता हो, ठीक है। जितनी हमारी ख़वातीन पसंद करती हैं ज़्यादा झाग वाले शैम्पू, जितने ज़्यादा झाग वाले शैम्पू होते हैं बाल को सुपर सॉफ्ट कर तो देते हैं मगर बाद में फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला बाल जल्दी सफ़ेद होना, खुश्की होना और दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो बहरहाल हमें करना क्या होता है, हमें सर्दियों में भी ऑल्टरनेट डेज पे शैम्पू करने होते हैं, क्योंकि हमारी स्कैल्प पे जब बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है तो वो बिल्कुल फंगस की तरह, ईस्ट की तरह हमारे सर पे ना वो स्टिकर वाली जो डेंड्रफ है ना वो बनना शुरू हो जाती है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले ऑल्टरनेट डेज पे शैम्पू करना है। लड़कियां कहती हैं कंडीशनर से हमें बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो जाती है, तो प्लीज़ अपना कंडीशनर को चेक करें कि कंडीशनर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और मेडिकेटेड कंडीशनर यूज़ करें, प्रॉपर उसको यूज़ करें जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से यूज़ करें कंडीशनर को। सर्दियों में हम जो यूज़ करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि बालों की स्कैल्प को, वैसे भी कंडीशनर बालों की जो है ना, मतलब वो जो सर की स्कैल्प है उस पर नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और रूट्स को छोड़कर बाकी सब जगह से नीचे तक लगाएंगे कंडीशनर को, ठीक है। ये तो वो चीज़ें थी जो कि आपको बताई गई। इसके अलावा रेमेडीज़ में हम क्या कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं कि देखें सबसे पहले तो चीज़ें बहुत सारी हैं, इसको साइड पे करते हैं। ये आपने पानी देखा कितना मौजूद है, ठीक है, इतना आपने पानी ले लेना है, ठीक है, इससे कम लेना चाहें इससे कम ले लें। एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, सेब का सिरका वेट लॉस के साथ साथ हर चीज में मुफीद होता है, ठीक है, इसके अंदर इतना ही आप जो है, या तो आप इसके अंदर सबसे पहले तो तीन चम्मच से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तीन चम्मच आप बड़े वाले ये डालें, ठीक है, इसको मिक्स कर लें। शैम्पू करना है आपने, जो भी शैम्पू आप यूज करना है, यूज करने के बाद कंडीशनर से पहले आपने शैम्पू जब सारा बालों से निकाल लिया है तो आपने पूरे सर पे इसको स्कैल्प पे फैला लेना है, ठीक है, डाल देना है और 10 मिनट छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद इसको बालों से निकाल लें पानी से, फिर आप अपना कंडीशनर लाजमी यूज करें, तो इससे सर की खुश्की गायब हो जाती है। और एक इसका रेशो आता है बराबर का, ठीक है, जैसे अभी मैंने तीन डाले थे, चार पांच सॉरी छः, ठीक है, तो ये 6 चम्मच इसके अंदर डाल के ये भी यूज़ कर सकते हैं। बालों से निकालना बहुत अच्छे से है, ठीक है, शैम्पू कर लिया, शैम्पू कर लेने के बाद आपने इसको बालों में अच्छी तरह स्कैल्प पे फैला लिया, 10 मिनट वेट किया, बालों से अच्छी तरह निकाला जैसे शैम्पू को निकालते हैं, उसके बाद कंडीशनर मस्ट करना है, ठीक हो क्या, इससे आपकी डेंड्रफ बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। एक तरीका इसका ये है कि आपने नहाने से पहले बालों में रुई की मदद से या स्प्रे की मदद से पूरे सर पर
ACV को इसी तरह ही डाइल्यूट करके पूरे बालों पे स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद आपने 15 मिनट छोड़ा, फिर जाके शैम्पू कर लिया। लेकिन बेहतर तरीका ये है जो मैंने आपको पहले बताया कि शैम्पू के बाद आप इसको डालें और इस तरीके से इस्तेमाल करें। तो ACV जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके डैंड्रफ को ख़त्म करने में। तो इस रेमेडी को भी हम कर देते हैं साइड पर। सेकेंडली मौजूद है जी कोकोनट मिल्क। मेरे पास इस टाइम नारियल अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसका डब्बा मंगवा लिया, ठीक है। कोकोनट मिल्क का किसी भी मार्ट से इस तरह से एक आप उठा सकते हैं बॉक्स। आपने करना क्या है, कोकोनट मिल्क को डायरेक्ट भी अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर देना, ठीक है। इसको निकाला और इसको एक क्वांटिटी आपने ली और डायरेक्टली अपने सर पे अप्लाई कर देना। ये सिर्फ डैंड्रफ के लिए नहीं, ये आपके बालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप सिर्फ स्कैल्प के अलावा बालों पे, पूरे बालों पे भी इसको लगा लेते हैं तो आपके बाल शदीद अच्छे किस्म के नॉरिश हो जाएंगे और डलनेस ख़त्म हो जाएगी, शाइन आएगी, चमक आएगी। नेमत है ये चीज़, नेमत है। कोकोनट मिल्क बनाने का तरीका भी आपको बता चुकी हुई हूँ। कोकोनट को लेना है, ठीक है, इसके ये इस तरीके से आपने, ये तो वहीं पर हम उतरवा लेते हैं दुकानदार से। उसके बाद जो कोकोनट का ब्राउन ब्राउन हिस्सा होता है ना, जो कोकोनट पे इसके साथ लगा हुआ होता है, उसको छुरी से काट ले। हमें सिर्फ ये वाइट पल्प चाहिए होता है। वाइट पल्प लेकर इसको ग्राइंडर में आप डालें, कोकोनट का जो पानी है वो डाल दें, थोड़ा सा पानी दूसरा मिला दें, तो वो जो एक चीज़ तैयार होगी उसको फिर आप किसी मलमल के कपड़े से छान लेंगे तो नीचे जो चीज़ आएगी वो कोकोनट मिल्क आएगी। घर का बना हुआ कोकोनट मिल्क अगर आपको आसान लगता है तो वो कर लें। मेरे पास इस टाइम कोकोनट नहीं मिल रहा था तो मैंने कोकोनट मिल्क का 10 मंगवा लिया, ठीक है। तो आपने कोकोनट मिल्क लिया, उसको एक उसमें निकाल लिया और डायरेक्ट अप्लाई कर दें स्कैल्प पे और बालों पे भी अप्लाई कर दें और 3-4 घंटे छोड़ दें, आपके बाल कमाल के हो जाएंगे। फिर शैम्पू और कंडीशनर कर लें, ठीक। एक और तरीका जो कि मैंने बना के रखा हुआ है, अभी मैं अपने बालों पे अप्लाई करने लगी हूँ, ये कोकोनट मिल्क है, ठीक है। कोकोनट मिल्क के अंदर मैंने 1 चम्मच, ठीक है, भर के कॉफ़ी डाली है, 1 साशा पूरा आ गया था कॉफ़ी का, ये डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने खोपरे के तेल के डाल दिए हैं इसके अंदर, फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स किया। ये हमारा प्योर कोकोनट मिल्क तैयार है। इसको बालों की जड़ों पे लगा दें, ठीक है, और सर के बालों पे भी लगा दें, टिप्स तक लगाना चाहें तो टिप्स तक लगा दें। तो ये लगाकर छोड़ दें और तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद आप वॉश कर लें, आपके बाल सुपर सॉफ्ट, शाइनी, हेल्दी और आपकी जो स्कैल्प है वो डैंड्रफ फ्री हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नीम के पत्ते। नीम के पत्ते किसी भी पंसारी से मिल जाएंगे या किसी दरख्त से आप तोड़वा लें, उसको वॉश करके सुखा लें। सुखाने के बाद उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट किस तरीके से बनाएंगे कि ग्राइंडर में आपने उसको पीस लिया, पीस कर आपने रख लिया एक जार में, पिसे हुए नीम के पत्तों को लेकर नीम ऑयल के अंदर। दोनों चीज़ें, एक तो ये है कि नीम का ऑयल लेना है, ठीक है, ये कहीं से भी मिल जाता है आपको नीम का ऑयल किसी भी पंसार से, उसी के अंदर नीम के पत्ते शामिल करके पेस्ट बना ली और स्कैल्प पे लगा के छोड़ दिया आपने, एक 15 से 20 मिनट या आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद सर वॉश कर लें, आपकी डैंड्रफ का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। टी ट्री ऑयल को डायरेक्ट स्कैल्प पे अप्लाई कर दें, उससे भी आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है, इचिंग जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि नीम के पत्ते लें, ठीक है, नीम के पत्ते पीसें और उसके अंदर आप खोपरे का तेल वो शामिल कर दें, उससे पेस्ट बन जाएगी। थोड़ा सा एलोवेरा, एलोवेरा जेल वो भी डाल दें, ठीक है। ये तीनों मिक्स करके स्कैल्प पे लगा लें, आधे घंटे बाद वॉश कर लें, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं और मैं जो आजकल यूज़ कर रही हूँ वो ACV का पानी है जो कि बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये आपके सर से खुश्की का 100% खात्मा करता है। तो आप इसको शैम्पू के बाद पूरे स्कैल्प पे लगा दें, जो जैसे भी कर लें, उसके बाद 10 मिनट बाद वॉश करें, वॉश करने के बाद कंडीशनर कर लें,
तो ये बेहतरीन हो जाएगा। कोकोनट मिल्क आप प्रॉपर वीकली लगाते रहेंगे इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो आपके बाल घने भी होंगे, आपके बाल शाइनी भी होंगे और आपके स्कैल्प पे एक्सेस ऑयल भी बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा खुश्की में एक मिसकंसेप्शन होता है कि जी डैंड्रफ हुई हुई है तो तेल लगा लो। पहले ही वो डैंड्रफ आपको नहीं पता एक्सेस ऑयल से हुई हुई है, उसमें आप तेल लगा दें तो मज़ीद काम ख़राब हो जाता है। जब भी आपने ऑयलिंग करनी है नहाने से 2 घंटा पहले करें डैंड्रफ में, फिर आप उस सर को वॉश कर लें। तो ये वो टिप्स थी जो कि मैंने आपको दी हैं। नीम का पेस्ट बहुत बेहतरीन होता है, नीम का पेस्ट आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। नीम के पत्ते पीस के कोकोनट ऑयल में शामिल कर लें, एलोवेरा जेल डाल लें, ये भी 15-20 मिनट लगा सकते हैं। नीम का तेल खाली भी लगा सकते हैं सर पे, स्कैल्प पे खाली, ठीक है, पूरे बालों पे ना लगाने बैठ जाएगा, सिर्फ स्कैल्प पे लगा लें और 20 मिनट बाद आप वॉश कर लें। इसके अलावा कोकोनट मिल्क तो आपने रखना ही रखना है, अगर आप ये रखेंगे आपके बाल बहुत हेल्दी होंगे और उनकी ड्राइनेस भी जाएगी, रफनेस भी जाएगी, बाल स्ट्रॉन्ग भी होगा, मोटा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्राई करें, बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेमेडीज़। फिर मिलते हैं आमना कॉस्मेटिक में, अल्लाह हाफिज़।